हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम कैनन क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये डाटा वेयरहाउस एंड डाटा माइनिंग की लेक्चर सीरीज़ है और इसमें आज हम देखेंगे कैनन क्लासिफिकेशन के ऊपर सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफॉर्म कैनन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम ऑन द फॉलोइंग डाटा सेट। इस डाटा सेट के ऊपर हमें कैनन क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम लगाना है और एक हमें डाटा सेट गिवन है, एक हमें डाटा गिवन है एक्स, जिसके अंदर पी वन की वैल्यू 3 है और पी टू की वैल्यू 7 है, और हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो डाटा हमें गिवन है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। क्लासेस कौन कौन सी हैं, या तो फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कैनन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। सो कैनन का मतलब होता है कैन नियरेस्ट नेबर। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमें डाटा गिवन है ये इन सब में से किसके सबसे नियर है, और अगर मुझे के 3 लेना है तो मैं 3 नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट आई विल फाइंड 3 नियरेस्ट नेबर्स। कि ये जो डाटा सेट हमें गिवन है इसके 3 सबसे पास के नेबर्स को मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, अब नियरेस्ट नेबर को निकालने के लिए हम डिस्टेंस मेथड का यूज़ करते हैं, और उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे इक्लूडियन डिस्टेंस। और जो इक्लूडियन डिस्टेंस निकलता है उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स एच माइनस एच वन स्क्वेयर प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस सो ऑन, और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब वैल्यूज हैं क्या है? सो यू एक्स एच है, इट इज़ नथिंग बट दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एट्रीब्यूट। तो ये है ऑब्जर्व वैल्यू पहले एट्रीब्यूट की। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो जाएगी, पी वन कि पी वन की वैल्यू एक्स एच है, देन एच वन होता है एक्चुअल वैल्यू, मतलब P1 की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ऐसे दूसरे वेरिएबल के लिए, दूसरे एट्रीब्यूट्स के लिए। तो अब हमें यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स गिवन हैं और उनको यूज़ करके हम इक्लूडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, सिंपल मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम, इनको मैं नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। सो डिस्टेंस ऑफ दिस एक्स फ्रॉम फर्स्ट रो। ठीक है, अब देखो एट्रीब्यूट्स कितने हमारे पास, पी वन और पी टू। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व हमने क्या करी, पी वन वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 3 माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या है इस वक्त पी वन की, रो वन के लिए 7, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अब आएंगे सेकेंड एट्रीब्यूट जो है पी टू, ऑब्जर्व क्या है 7 और एक्चुअल क्या है 7, सो 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसकी अंडर रूट वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसमें 4। सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 0 डेट इज 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 अंडर रूट 4 आएगा। अब निकालते हैं डिस्टेंस सेकेंड रो से, तो वो क्या आएगा, देखो 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्टेंस थर्ड रो से, कितना आएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3। अब निकालते हैं फाइनल फोर्थ रो के लिए, तो ये कितना होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू रूट 13। जब आप रूट 13 का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 3.6। तो अब हमने क्या कर लिया, इस वक्त हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है किसका, इस एक्स का, इन सब रोज से। तो डिस्टेंस क्या क्या है, 4, 5, 3 और 3.6। अब देखो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सबसे नियरेस्ट वो होता है जिसका डिस्टेंस सबसे कम है, तो सबसे नियरेस्ट हो गया 3। तो मैं इसको लिख देता हूँ n1, नियरेस्ट वन। अब क्योंकि मुझे k को 3 चलना है, मतलब 3 नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं, तो सेकेंड नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 3.6। इसको लिख देते हैं n2 और 4। तो ये 3 मेरे नियरेस्ट नेबर आ गए। अब अगर मेरे पास सबसे पहला नियरेस्ट नेबर n1 है जो कि थर्ड रो थी, तो थर्ड रो की क्लास क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे लिख दो, डैट मीन्स कि ये जो x है वो अकॉर्डिंग टू थर्ड रो ट्रू क्लास को बिलोंग करेगा। ऐसे ही n2 के लिए देखो क्या आएगा, सॉरी हाँ n2 के लिए फोर्थ रो थी तो ट्रू, और n3 के लिए फर्स्ट रो थी फॉल्स। तो अब हमारे पास क्या आया कि प्रिडिक्शन आई कि दो ट्रू कह रहे हैं और एक फॉल्स कह रहा है। सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर, दिस 2 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, इट मीन्स दैट द आंसर इज ट्रू। सो वी कैन राइट द आंसर लाइक x जिसमें p1 की वैल्यू 3 है और p2 की वैल्यू 7 है will belong to class, किसको belong करेगा, true को। तो दिस इज द आंसर। और इस तरह से आप Kanon क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था इस केस में। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी वन मोर सॉल्व क्वेश्चन ऑन Kanon क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।